नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों NTA UGC नेट हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ये 45 है, यानी कि 45 UGC नेट इतिहास ऑनलाइन क्लास 45। इस क्लास की आपको PDF भी दी जाएगी, और PDF आपको कैसी लेनी है डिस्क्रिप्शन में इसका निर्देश दिया गया है, ठीक है। यह वीडियो TGT PG इतिहास IAS PCS के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण होगी, और ये जो तैयारी कर रहे हैं इस लेवल की वो भी इसको वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले और टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वीडियो के, ठीक है, आज के जो क्लास के टॉपिक हैं वो है, फर्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, दूसरा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, तीसरा जो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939, और चौथा देशी रियासतें, और पांचवा है द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। ये पांच आपको इस टॉपिक क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जहाँ स्टार आ जाए वहाँ से नई लाइन स्टार्ट करना। अगर आप ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा टाइम कम है, तो आप PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई, तथा अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में, मुंबई का पहले नाम बम्बई था, बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गईं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। नोट डाउन करते चलना, ठीक है, क्योंकि कई बार जन्म आ चुका है कि जो कांग्रेस पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, ये क्या था। दोस्तों ये कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, और इसके जो महासचिव थे वो जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। दोस्तों आप राम वृक्ष बेनीपुरी जानते होंगे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, ठीक है, और इनकी जीवनी जो इनकी कहानियां हैं ये UP बोर्ड की 12वीं या 10वीं कक्षा में चलती हैं। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से, यानी कि भूमिगत होकर, भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने
5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर, ठीक है, पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों, नोट डाउन कर चलना, ठीक है, 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए, यानी कि घोषणा पत्र पर, ठीक है। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, कोई अगर मांग जो होती है, मांग वगैरह, जैसे 21 उद्योगपतियों ने मिलकर कुछ बंबई घोषणा पत्र या बंबई की मांगों के नाम से एक मैनिफेस्टो तैयार किया, एक मेनू तैयार किया, ठीक है, तो उन पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में किया था। तो जैसे कि जब चुनाव होते हैं तो हर एक पार्टी जो होती है एक मैनिफेस्टो निकालती है, अपना घोषणा पत्र निकालती है, ठीक है, तो उसको ही मैनिफेस्टो बोलते हैं। तो उसको 21 उद्योगपतियों ने निकाला था, उसको बम्बई मैनिफेस्टो का कहते हैं, और उस पर उनका साइन किए थे। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, मद्रास 65% मतों के साथ, यानी कि 215 में से 159 सीटें जीतीं, बिहार 75% मतों के साथ, यानी कि 162 सीटों में से 98 सीटें जीतीं, मध्य प्रांत एवं बरार 61% मतों के साथ, यानी कि 112 में से 70 सीटें जीतीं, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें, तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ यानी कि 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई में 175 में से 86, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, ठीक है। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत जो थे, ये थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग दे दिया था। नोट डाउन करना, विशेष महत्वपूर्ण लाइन दोस्तों, ये दोबारा पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति, यानी कि भारत को नहीं पूछा गया, भारत के लोगों को, कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करें या नहीं करें। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर, ये जो डेट है ये कई बार जानने आ चुकी है, 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा
भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1949 के दिन मुक्ति दिवस, ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का आह्वान किया। 1949 के दिन मुक्ति दिवस, ठीक है, मुक्ति दिवस यानी कि फ्रीडम डे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। डेट याद रखना, ये भी आ चुकी हैं। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा, जो गुजरात में पड़ता है, के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष, वो भी सो निर्विरोध, यानी कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है, उसको निर्विरोध बोलते हैं। वर्ष 1939 के त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया। जिसके बाद, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, ठीक है, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये जो सवाल है, ठीक है, कि उन्होंने, उनके बाद में किस कौन बना, बहुत ज़्यादा ये सवाल में एग्जाम में आता है। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये जो है कभी कभी कालक्रम में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, ठीक है। तो जब इन्होंने त्रिपुरी सम्मेलन में, अधिवेशन में अपना जो अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वतंत्रता चाहिए। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। आयरलैंड जो है दोस्तों, वह इंग्लैंड से पृथक हुआ है, ठीक है, बहुत दिन बाद में। यह भी एक उपनिवेश था इंग्लैंड का, जैसे भारत था। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना,
तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मणिलाल कोठारी और जीआर अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल किए गए। ये भी जो लाइन है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में आती है, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ते हैं हम। 15 अगस्त, यहाँ से पढ़ते हैं, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, यानी कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद शामिल नहीं हुए थे, को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कांग्रेस के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। यानी कि जो हैदराबाद था उसका जो नवाब था दोस्तों, वो मना कर रहा था, परंतु सरकार ने ज़बरदस्ती वहाँ पर सेना भेजकर इसको ज़बरदस्ती जो है वो शामिल कर लिया। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक अली, नोट डाउन करना, कई बार जमा हो चुके हैं, ठीक है। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड माउंटबेटन और लईक अली, ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। लईक अली भी कई बार जन्म आ चुके हैं कि जब क्वेश्चन बना था कि जब भारत में हैदराबाद रियासत को शामिल किया गया तो हैदराबाद का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था, तो कौन था, मीर लईक अली। और एक सवाल ये आता है कि हैदराबाद समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन और मीर लईक अली ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों कई बार जानता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस टाइम भारत को युद्ध में धकेलने वाला वायसराय कौन था, तो दोस्तों कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, इमरजेंसी लगा दी गई थी उस टाइम पर। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की, यानी कि जो कांग्रेस कार्यकारिणी थी उसने कहा कि अगर आप हमको द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, आप हमसे बिना पूछे हमारे देश को युद्ध में धकेल रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। उनकी दो मांगें थी, यानी कि उद्देश्य युद्ध के उद्देश्य क्या है, ठीक है, हमको जो धकेल रहे हैं युद्ध में, और इस युद्ध के बाद अगर हम जीत भी जाएं, ठीक है, मित्र राष्ट्र जीत भी जाएं, तो युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ये इनकी मांगें थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले, यानी कि जर्मनी में जो नाजी शासन था, ठीक है, उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तथा नाजीवाद और फासीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकट लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है। यानी कि जो विश्व युद्ध था वह कुछ राष्ट्रों को, जैसे जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी को बहुत ज़्यादा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसको दंड देने के लिए बाध्य किया गया था, यानी कि जो युद्ध हुआ था युद्ध क्षति के रूप में बहुत यानी कि 14-15 सालों तक उसको जो भी उसके खान वगैरह थी, काम करने के जो पैसे थे, सब जो है मित्र राष्ट्र को जा रहे थे। तब उसने, जो हिटलर था, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसने क्या हुआ कि लोकतांत्रिक स्वाधीनता, उसने कहा कि हमको स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है, ठीक है, तो हमें भी लोकतांत्रिक स्वाधीनता रक्षा के लिए वह लड़ा जा रहा था। और जो भारत थे तो उन्होंने कहा कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकट लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारा देश खुद ही गुलाम है और आप जो धुरी राष्ट्र थे, विरोधी राष्ट्र, वो भी अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, तो हमको पहले स्वतंत्र करो, तभी तो हम आपको इसमें शामिल होंगे, परंतु उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था वो था जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 1945 तक था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने निर्देश दिया हुआ है कि आपको वीडियो कैसे प्राप्त करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB Study Point को जरूर सब्सक्राइब कर देना।
और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करते हैं जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल गए। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।